Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 a.m. to 1 p.m. to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Students, good morning. Last time beta humne regression line find karne ke liye CY अपॉन CX मेथड का यूज करके रिग्रेशन लाइन फाइंड की थी. आज CY अपॉन CX जैसा और एक नेक्स्ट सम हम देख रहे हैं. एग्जांपल नंबर 14 है तुम्हारे बेटा. एग्जांपल नंबर 14 में इसने बताया बेटा आपको डेंसिटी x एंड नंबर ऑफ पेशेंट y दिया है बेटा. आपको बोला है ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन y ऑन x, एस्टिमेट द नंबर ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम स्किन डिसीज इफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 15,000. ओके बेटा. एक्सप्लेन द रिलायबिलिटी ऑफ द रिग्रेशन मॉडल बेटा. तो पहले हम वाई ऑन एक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. तो वाई ऑन एक्स के बारे में हमें डिस्कशन करना है तो पहला हमारा काम है एक्स बार एंड वाई बार फाइंड करना. तो हमने यहाँ देखो एक्स बार एंड वाई बार फाइंड कर लिया है. क्लियर बेटा. तो x बार कितना मिला है हमें बेटा 15,416.67 एंड y बार की वैल्यू कितनी मिली है बेटा 63.33. अब देखो बेटा, मैंने आपको लास्ट समय ऐसा बताया था कि पीछे के पॉइंट हटाना और a की वैल्यू आप एज्यूम करना. बट यहाँ देखो, वैसा करोगे ना आप तो आपका जो कैलकुलेशन है ना वो बहुत बोरिंग हो जाएगा और सम के रॉन्ग होने के चांस बढ़ जाएंगे. तो जब ऐसे क्वेश्चन बड़ा है ना तब आपको क्या करना है, हर एक के पीछे देखो कॉमन कितने जीरो लगे हैं. तो 3 2 3 2 2 एंड 3. तो आप जो नंबर एज्यूम करो ना बेटा वो पीछे 3 0 वाला ही करो. तो आप ए इज इक्वल टू कितना एज्यूम करो, ए इज इक्वल टू आप 15,000 ले लो. क्यों वो मैं बाद में बता रहा हूँ. और वाई के अंदर देखो हरे के पीछे एक जीरो लगा है तो बी इज इक्वल टू कितना ले लो बेटा आप 60 ले लो. कितना ले लो 60. ओके. अब आपको क्या करना है बेटा, y को छोटा करने के लिए आपको क्या करना है. तो u इज इक्वल टू x माइनस ए अपॉन सी एक्स. तो सी एक्स यहाँ इसने देखो 500 लिया है. जो भी आंसर आएगा x में से 15,000 को माइनस करके जो भी आंसर आएगा इसे आप 500 से डिवाइड करोगे ना बेटा तो आपका जो अमाउंट है वो छोटा हो जाएगा. आप चाहो तो 1000 से भी कर सकते हो, 250 से भी कर सकते हो. ओके. तो आप u को 500 से डिवाइड करना तो जिसे हम सी एक्स कहेंगे. क्या कहेंगे, सी एक्स. एंड v को देखो इसने 10 से डिवाइड किया है तो 10 से डिवाइड करने से क्या होगा, पीछे से एक जीरो चला जाएगा तो वो भी क्वेश्चन छोटा हो जाएगा. तो जिसे हम क्या, तो इसे हम कहेंगे बेटा सी वाई कहेंगे. क्या कहेंगे, सी वाई. तो सी एक्स एंड सी वाई मिल गया बेटा हमें. बराबर है, जो जैसे हम करते थे वैसे ही करना है. 12,000 माइनस 15,000 तो 3,000 अपॉन 500 करो तो कितना मिलेगा बेटा, 6 माइनस 6 14,500 माइनस 15,000 अपॉन 500 करो तो कितना, -1. क्लियर बेटा.
तो वैसे आप करते जाओगे तो आपको यू मिल जाएगा। वैसे वाई के अंदर से 80 माइनस 60 तो 20, 20 अपॉन 10 कर दो, कितना मिल जाएगा आपको? 2, बराबर है। 60 माइनस 60 तो 0, 90 माइनस 60 करो बेटा तो 30, 30 अपॉन 10 कर दो, कितना? 3। तो वैसे बेटा आप करते जाओगे तो आपको पूरा यू एन वी मिल जाएगा। बाद में आप जानते हो यू एन वी का टोटल यू स्क्वायर एन क्या करना है आपको, वी स्क्वायर। यहाँ वी स्क्वायर इसलिए करना है कि हमें रिलायबिलिटी फाइंड करनी है, तो रिलायबिलिटी फाइंड करने के लिए हमें आर स्क्वायर फाइंड करना पड़े, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो पहले बेटा आपको पूरा टेबल बनाना है, टेबल बनाने के बाद आप बी फाइंड करोगे बेटा। तो बी आपको कितना मिला बेटा? 0.003। बाद में आपको क्या फाइंड करना होगा बेटा? ए फाइंड करना है। ए इज इक्वल टू, आप फॉर्मूला जानते ही हो, ए इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? वाई बार माइनस बी एक्स बार। तो ए हमें मिल गया, क्लियर। बाद में बेटा हम रिग्रेशन लाइन लिखेंगे, लिखा है ना इसने, द रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स इज वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो ये हमें रिग्रेशन लाइन मिली बेटा। अब इसके अंदर हम एक्स की वैल्यू 15,000 हम रखेंगे तो हमें वाई कैप कितना मिलेगा बेटा? वाई कैप इज इक्वल टू 62.08। कितना मिल गया बेटा? 62.08। ओके, तो ये जो हमने फाइंड किया वो वाई ऑन एक्स फाइंड किया, बट जब हम एक्स की वैल्यू 15,000 होगी तब वाई 62.8 होगा ही होगा, 62.08 होगा है, तो ऐसे हम नहीं बता सकते। इसके लिए हमें बेटा वो बताने के लिए बेटा हमें क्या फाइंड करना पड़े? कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमाइनेशन यानी कि आर स्क्वायर हमें फाइंड करना पड़े बेटा। तो हम लिख देंगे कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू, आप ऐसे फाइंड करो तो भी चले, या तो पहले आर फाइंड कर लो, आर फाइंड करने के बाद जो भी आर का आंसर आए इसका फिर स्क्वायर कर देने का तो भी चले, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हो। तो आर स्क्वायर बेटा हमें फाइंड करना है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिली बेटा हमें? तो 0.10 मिली। कितने मिली बेटा? 0.10। तो एज द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इज वेरी नियर टू जीरो, इट कैन नॉट बी सेड दैट द रिग्रेशन मॉडल इज रिलायबल। तो इसका बेटा ऐसा होता है कि आर स्क्वायर की वैल्यू अगर 1 है तो हम बोलेंगे कि हमने जो फाइन किया वो 100% रिलायबल है। कितने परसेंट बेटा? 100% रिलायबल है, रिग्रेशन मॉडल इज 100% रिलायबल। आर की जो वैल्यू है वो बेटा आर स्क्वायर की वैल्यू 1 के नियर है, तो हम लिखेंगे बेटा कि ओनली फॉर रिलायबल है। क्या है बेटा? रिलायबल है। अगर हमारा आंसर 0.50, 0.60, 0.90 आया तो हम लिखेंगे द रिग्रेशन मॉडल इज रिलायबल। क्या लिखेंगे? रिलायबल। आर स्क्वायर की वैल्यू अगर 0 के नज़दीक है बेटा तो हम लिखेंगे रिग्रेशन मॉडल इज नॉट रिलायबल। क्या लिखेंगे? नॉट रिलायबल या तो लेस रिलायबल। और आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है तो हम लिखेंगे रिग्रेशन लाइन इज नॉट वैलिड। क्या लिखेंगे बेटा हम? रिग्रेशन लाइन इज नॉट वैलिड। तो ये बेटा आपको याद रखना होगा बेटा, क्लियर। बाकी का डिस्कशन हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके बाय।